हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट वीडियो एक अपलोड किया था। वहाँ पे शॉर्ट वीडियो में मैंने 3-4 शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, लेकिन वहाँ पे जो एडसन जो हमारा लगता है जो हमारा शॉर्ट वीडियो पे, लेकिन मेरा जो शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था वहाँ पे एडसन का जो प्रॉब्लम आ चुका है, उसी प्रॉब्लम के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का भी ऐसा प्रॉब्लम फेस किए होंगे और किसी ने भी नहीं किया है वो भी इस वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपका भी ऐसा ही कभी फेस किए होंगे, लेकिन अगर कोई भी फेस नहीं किया है बता दूंगा कि आगे उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ऐसा ही करना पड़े। तो मैंने जब अपलोड किया मैंने शॉर्ट वीडियो, तो वहाँ पे ऐड सुइटेबिलिटी जो एक रहता है, तो हमारा जो डॉलर का ऑप्शन रहता है वहाँ पे ग्रीन सिग्नल जैसे रहता है, लेकिन वहाँ पे मेरा येलो हो चुका है और ग्रीन नहीं हो रहा है, तो इसका प्रॉब्लम क्या है। और वहाँ पे भी लिखा रहता है एड सुइटेबिलिटी, वहाँ पे लिखा रहता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि मान लो आपका जो वीडियो आप बना रहे हो शॉर्ट वीडियो, मैं इस तरह से आप उसको ठीक कर सकते हो उस प्रॉब्लम को। और मैंने भी मेरा जो वीडियो मैंने अपलोड किया तो वहाँ पे इस तरह से लिख रहा था, तो मैंने रिक्वेस्ट भेजा यूट्यूब टीम को। जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट भेजा मुझे मेल मिला, और मेल में आपको वहाँ पे लिख के बता देते हैं कि आपका जो भी शॉर्ट वीडियो आप अपलोड कर रहे हो उसमें क्या प्रॉब्लम है, टाइटल का, डिस्क्रिप्शन का और वीडियो का, या इधर बैकग्राउंड म्यूजिक का, तो वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है तो वो आपको बता दिया जाएगा मेल के द्वारा। आपने जो भी यूट्यूब चैनल का जो भी मेल आईडी आपने दिया है उसी मेल आईडी में आपको मेल किया जाएगा कि आपका इसी वीडियो पे, इसी कंटेंट पे ये प्रॉब्लम है, तो आप उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे तो आपका गूगल एडसन आपका एड ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा तो ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने जैसे ही मैंने रिव्यू में भेजा, रिव्यू में हमें क्रोम ब्राउज़र में मैं आपको बताऊंगा, तो रिव्यू आपको भेजना पड़ेगा उसी वीडियो में, तो यूट्यूब टीम क्या करेंगे तो उसी वीडियो को दोबारा रिव्यू करेंगे। रिव्यू जैसे ही करेंगे तो वो अगर वीडियो कंटेंट आपका ठीक है तो आपका उसी वीडियो पे एड लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, किस तरह से ऐसा होता है तो हम उसका प्रोसेस, उसका डिटेल्स आप अच्छे तरह से हम सीख लेते हैं, जैसे कि हमें आगे जाके कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा देरी किए बिना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह से टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कैसा है इसका प्रोसेस। एड जो सुइटेबिलिटी होता है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से देखिए, हमें पहले YT स्टूडियो को ओपन करना है। मैं सिंपली YT स्टूडियो को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो कंटेंट यहाँ पे आपको शो कर रहा है, यहाँ पे आप मेरा कंटेंट देख सकते हो। ये हो गया, ये हमारा वीडियो, ठीक है, ये हमारा डैशबोर्ड, यहाँ पे कंटेंट के ऊपर वीडियो पे आया हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो वीडियो लॉन्ग वीडियो यहाँ पे है, और मैंने दोस्तों शॉर्ट वीडियो 3-4 अपलोड किया था, वहाँ पे एड सुइटेबिलिटी लिखा रहता है। यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर जैसे निशान है वहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली मैं शॉर्ट वीडियो पे चलता हूँ। तो मैं जैसे ही शॉर्ट वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जितना भी सारा शॉर्ट वीडियो है यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एड सुइटेबिलिटी, यहाँ पे देखिए येलो कलर का ये जो डॉलर का निशान है यहाँ पे येलो कलर का हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रीन का है यहाँ पे डॉलर का निशान, तो यहाँ पे येलो कलर, और यहाँ पे लिख के आ चुका है देखिए यहाँ पे एड सुइटेबिलिटी। तो यहाँ पे कुछ भी ना कुछ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है तो हम उसको ठीक करेंगे। तो ऐसा जो प्रॉब्लम है बहुत सारे दोस्तों का भी आया होगा, जो भी YouTube पे वीडियो शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट फ्यूचर आ चुका है तो YouTube पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जैसे ही अपलोड कर रहे हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपली आपको बता रहा है इसी वीडियो पे आपका जो एड है रन नहीं करेगा, ठीक है। तो क्यों नहीं करेगा आपको तो पता नहीं है, लेकिन हम इसको कैसे पता करेंगे और इसको कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को ध्यान से देखिए। और दोस्तों वीडियो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एड सुइटेबिलिटी है यहाँ पे सिंपली हमें कुछ भी नहीं करना है, तो यहाँ पे सिंपली हमें क्रोम में चलना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको देख लेना है, और ये वीडियो मेरा पब्लिक नहीं है, ये अनलिस्टेड मोड में है। अनलिस्टेड मोड में जैसे ही आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाता है, इसलिए हमें YT स्टूडियो पे चेक कर लेना है कि हमारा जो वीडियो है वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे बता देते हैं, उसके बाद हमें इसको ठीक करने के लिए सिंपली हमें यहाँ से बैक आते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे हमें क्रोम को ओपन करना पड़ता है, तो सिंपली मैं क्रोम को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद वहाँ पे हमें हमारा जो यूट्यूब चैनल का जो डैशबोर्ड है वहाँ पे हमें जाना है, तो सिंपली मैं होम यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ। होम यूट्यूब पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा चैनल आ चुका है। तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे 3 डॉट है, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइड में आना है, तो यहाँ पे टिक बॉक्स लगाना है, टिक करना है। जैसे ही टिक करोगे ये डेस्कटॉप मोड में आ जाएगा। डेस्कटॉप मोड में जैसे ही आता है तो यहाँ पे आपका इस कोने पे, राइट साइड कोने पे, यहाँ पे आपका चैनल का लोगो शो रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है योर चैनल, तो सिंपली आपको योर चैनल के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए कस्टमाइज चैनल के ऊपर आपको क्लिक करना है।
जैसे ही आप क्लिक कर लोगे तो ये हमारा जो डेस्कटॉप वर्जन में हमारा ओपन हो जाएगा, डेस्कटॉप मोड में हमारा YT स्टूडियो ओपन हो जाएगा। होने के बाद वहाँ पे हमारा जो कंटेंट रहता है, कंटेंट के ऊपर हमें क्लिक करना पड़ता है। ये हमारा डैशबोर्ड आ चुका है, तो यहाँ पे सिंपली देखिए यहाँ पे जो कंटेंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जितना भी सारा वीडियो है यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो मेरा जितना भी सारा वीडियो है यहाँ पे शो हो चुका है। तो यहाँ पे मैं उसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा। यहाँ पे देखिए देखिए ये अनलिस्टेड मोड में है अभी। अभी देखिए ये मेरा शॉर्ट वीडियो था, मैं YT स्टूडियो अपडेट के बारे में बताया हूँ। तो लेकिन यहाँ पे देखिए एड नहीं रन कर रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आ चुका है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया है हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अनलिस्टेड मोड है, यहाँ पे देखिए अनलिस्टेड मोड। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो डॉलर का ऑप्शन है, यहाँ पे लिमिट क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए एड सुइटेबिलिटी यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एड सुइटेबिलिटी यहाँ पे जो लिखा है, अभी यहाँ से देखिए मैं जूम कर चुका हूँ, अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए जो येलो कलर का जो ऑप्शन है यहाँ पे लिमिटेड यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और ये पब्लिक नहीं किया हूँ, ये अनलिस्टेड मोड में है अभी। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एड सुइटेबिलिटी यहाँ पे जो लिखा है, लिखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्वेस्ट रिव्यू, ठीक है। तो दिस वीडियो अर्निंग लिमिटेड ऑन एड रिव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो वीडियो बनाए हैं हमने, यहाँ पे हमारा जो एडसन है नहीं चलने वाला है क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो को आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपको तो पता नहीं है क्या भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये रिव्यू में भेज सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एड सुइटेबिलिटी ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नीचे लिखा है अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट रिव्यू, ठीक है। तो रिक्वेस्ट रिव्यू के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो वीडियो है तो वो YouTube टीम के पास चला जाएगा, वो रिव्यू करेंगे इस वीडियो का, देखेंगे कि कौन सा क्या प्रॉब्लम है इस वीडियो पे जो एड नहीं रन कर रहा है। तो जो भी प्रॉब्लम है आपको मेल के द्वारा बता दिया जाएगा। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है ये सेम उसी तरह से हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैसे ही अप्लाई किया, मैंने जो एड सुइटेबिलिटी रहता है मैंने रिक्वेस्ट उनको भेजा, तो जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट भेजा तो ये मेरा एड ऑन हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो वीडियो है मेरा एड ऑन हो चुका है, ये भी येलो कलर का दिखाई दे रहा था, ये भी ऑन हो चुका है। और आपका जो भी वीडियो पे ये प्रॉब्लम आ रहा है एड सुइटेबिलिटी, तो यहाँ पे सिंपली एड सुइटेबिलिटी के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट रिव्यू में जाएगा आपका वीडियो। जैसे ही जाता है उनको चेक, यूट्यूब टीम चेक करेंगे कि आपका वीडियो में कुछ क्या प्रॉब्लम है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा तो आपका एड ऑन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो वीडियो मैंने बनाया था कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये ऑटोमेटिक आ जाता है, ऐड रन नहीं करता है, रिव्यू में भेजना पड़ता है। तो सिंपली मैंने रिव्यू में भेजा और मेरा ये सेकंड वाला ऑप्शन वीडियो ऑन हो चुका है। तो ये आपको भी कर लेना है ऐसा। जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपका मेल आ जाएगा, ठीक है। तो मेल भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही आपको यहाँ पे रिव्यू में, यहाँ पे देखिए रिव्यू, देखिए यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट इसको भेज देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट रिव्यू, तो यहाँ पे सिंपली मुझे क्लिक करना है, तो मैं क्लिक कर लेता हूँ। देखिए क्लिक जैसे ही करोगे तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप रिक्वेस्ट रिव्यू के ऊपर जैसे ही आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक चेकबॉक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको ये टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो रिव्यू में यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे कैंसिल है, यहाँ पे रिव्यू में क्लिक करना है। तो यहाँ पे सिंपली मैं रिव्यू पे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपका जो वीडियो है वो रिव्यू में चला जाएगा, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम है आपको मेल के द्वारा बता दिया जाएगा कि ऐसा प्रॉब्लम है, उसको ऐसा ऐसा जो भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वो बता देंगे मेल में। तो मेरा यहाँ पे देखिए मैं अभी भेज चुका हूँ, अभी यहाँ पे देखिए दिस वीडियो यहाँ पे लिख रहा है, तो मैंने रिव्यू में ऑलरेडी भेज चुका हूँ। तो ये थोड़ा टाइमिंग लगता है, जैसे मान लो 3-4 घंटा या 5 घंटा टाइमिंग लगता है, तो मेल भी आ जाता है आपके पास, आप उसको ठीक कर सकते हो। क्या प्रॉब्लम, अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और मेल पे भी लिखा आ जाएगा कि इस वीडियो में हमें एड रन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली इस तरह से प्रोसेस रहता है। अगर आपका एड सुइटेबिलिटी येलो कलर दिखाई देता है, डॉलर का ऑप्शन, ये ग्रीन हो जाएगा और मेल आने के बाद मेल में लिखा रहेगा, क्योंकि क्या अगर ये ग्रीन नहीं होता है तो मेल में लिखा रहता है क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये ग्रीन हो जाता है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो ये ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगा, आपका जो ग्रीन का जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको मेल दिखा देता हूँ, ये इसका प्रोसेस खत्म, यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक आपको बता दिया जाएगा मेल में। तो अभी हमें मेल में जाना है, मेल में देखिए क्या मेल आया था मुझे, मैंने ये जो वीडियो है मेरा सेकंड का, ये भी प्रॉब्लम आया था, मैं आपको मेल दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ से बैक आते हैं, बैक आने के बाद मुझे मेल को ओपन करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं मेल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं मेल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मुझे ये वीडियो पे देखिए, यहाँ पे देखिए उस वीडियो पे आया था मुझे जो सेकंड वाला जो वीडियो है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है योर वीडियो इज सुइटेबिलिटी फॉर ऑल। तो यहाँ पे एडवर्टाइज का जो यूट्यूब का जो शॉर्ट मैंने यहाँ पे देखिए ये लोगो लगा, यहाँ पे ये जो स्टिकर लगा था
यहाँ पे स्टिकर दिया था और यूट्यूब शॉर्ट सुपर थैंक्स, ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट सुपर थैंक्स हैज यूट्यूब हैज वायरल हैज शॉर्ट हैज शॉर्ट। तो यहाँ पे मैंने ऐसा इसका ये टाइटल हो गया मेरा, ये जो टाइटल है यहाँ से शुरू करके यहाँ से खत्म होता है मेरा टाइटल। तो यहाँ पे यूट्यूब का जो टीम रहते हैं उन्होंने बताया है यहाँ पे योर वीडियो इज सुइटेबिलिटी फॉर ऑल एड, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे जो वीडियो पे एड रन कर सकता है और इस तरह से आपका मेल आ जाएगा। तो अगर भी कुछ भी प्रॉब्लम है यहाँ पे लिखा रहेगा कि आपका कॉपीराइट कंटेंट आया है कि कुछ भी है आएगा, ठीक है। तो मेरा भी ऐसा कुछ भी नहीं था तो इसलिए उन्होंने मेल भी लिखा है कि आपका वीडियो पे ऐड रन किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऐसा लिख के आ जाता है, यहाँ पे जो भी वीडियो आपने बनाया है इसका टाइटल आ जाएगा यहाँ पे और कुछ भी प्रॉब्लम रहे यहाँ पे लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मेरा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी ठीक है मेरा वीडियो पे। तो यहाँ पे देखिए तो YouTube टीम की तरफ से ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली आप मेल भी पढ़ सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ से बैक आता हूँ, बैक आने के बाद आपको YT स्टूडियो को चेक कर लेना है। जैसे ही आप अप्लाई करते हो ना YT स्टूडियो को, 2-3 घंटे के बाद आपको चेक करना है उसी वीडियो पे कि आपका जो वीडियो आपने जो रिव्यू में भेजा था वो ठीक हुआ है कि नहीं। और मेल भी मेल से आपको, तो यहाँ पे YT स्टूडियो कंटेंट में चलते हैं, यहाँ पे कंटेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। कंटेंट के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे शॉर्ट वीडियो पे चलना है। शॉर्ट वीडियो पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 3-4 घंटे के अंदर अंदर ये ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह से आप ठीक कर सकते हो। अगर आपके पास मेल भी आता है, अगर आप कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आई होप दोस्तों वीडियो इतना ही था और इस वीडियो में जानकारी आपको को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस तरह से टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके पास अच्छा अच्छा वीडियो लेके आऊँ, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो आई होप दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे दिल से यार लाइक कर देना और मिलते हैं एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। वीडियो को कहाँ से देख रहे हो कमेंट में बताना और थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।